नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन कैरियर ऑप्शंस के 2022 में, जो कि होटल मैनेजमेंट के डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद आपके लिए 2022 में अवेलेबल रहेंगे। जो भी स्टूडेंट 2022 में ज्वाइन करेगा, क्योंकि अब जैसे जनवरी आ गया है और आप लोग अपने एग्जाम्स देंगे, कोई IHMs में जाएगा, कोई प्राइवेट कॉलेजेस में जाएगा, अलग अलग प्रकार के कॉलेजेस में आप जाएंगे, डिग्री करेंगे, डिप्लोमा करेंगे, आप बोल सकते हैं कि साल भर के बाद या आज से 3 साल के बाद आप लोग रेडी हो जाएंगे इस इंडस्ट्री में जॉब के लिए। तो जो भी 2020 चला गया है या जो भी नए प्रकार के कैरियर ऑप्शंस आए हैं और जो भी ऑलरेडी होते थे, उन सब को हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप लोग अपने लिए एक फ्रेमवर्क रेडी कर पाए कि भाई हम किन किन फील्ड में हम लोग जा सकते हैं होटल मैनेजमेंट का डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद। जो सबसे पहला ऑप्शन यहां आता है वो आता है हमारे होटल्स। जी हाँ, आप अपनी डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद होटल में अपने जॉब पा सकते हैं। सबसे बेसिक आप बोल सकते हैं यही है कि भाई कोई भी नौकरी करनी है तो हमको होटल में जाके ही करनी है। होटल कोई भी हो सकता है, आपका 5-स्टार हो सकता है, 4-स्टार हो सकता है, 3-स्टार हो सकता है, आप किसी रिसॉर्ट्स में नौकरी कर सकते हैं, ये भी आपका हो सकता है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है आपके पास रेस्टोरेंट, आप जाके किसी रेस्टोरेंट में भी जॉब कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स की भी कैटेगरी होती है, कोई 5-स्टार लेवल का रेस्टोरेंट भी होता है, कोई छोटा रेस्टोरेंट भी होता है, और इसके अंदर भी आपके डाइनिंग रेस्टोरेंट अलग हो जाते हैं, कैफे आपके अलग हो जाते हैं, कई सारी चेन्स हैं जैसे KFC होगी, मैकडोनल्ड हो गया, ठीक है जी, आप लोग यहां पे भी जाके अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये दूसरा फॉर्मेट हो जाता है। इसके बाद आप जो एयरलाइंस कैटरिंग होती हैं, जहाँ पे एयरलाइंस का खाना बनता है, वहाँ पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हो, वहाँ भी आपको जॉब्स मिलती हैं आपको एयरलाइंस की जॉब। इसके अलावा जैसे शिप की जॉब हो सकती है, शिप की जॉब आप पा सकते हो, फ्रेशर्स भी शिप की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमारे बेस किचन्स होते हैं, जो कि कई जो कॉरपोरेट कंपनीज होती हैं उनको खाना सप्लाई करते हैं, वहाँ पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। क्लाउड किचन एक फॉर्मेट होता है, क्लाउड किचन का मतलब होता है जहाँ पे कि खाना आपका बन रहा होता है, फ्रंट फेस में कुछ नहीं होता है, आप उसको भी उस फॉर्मेट को भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप किसी इंस्टीट्यूट में भी अपनी जो सेवाएं दे सकते हो, जैसे कि मैं आप लोगों को ऑनलाइन यहां पे पढ़ाता हूं, 1400 वीडियोस बना दी है, आप लोग देखा कीजिए, बहुत अच्छा आपको नॉलेज मिलेगा। सेम उसी प्रकार से आप किसी कॉलेज में जाके स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अपना कोई भी एक रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और आपके पास नॉलेज है, आप अपना रेस्टोरेंट चालू कर सकते हैं, चाहे तो आप अपना क्लाउड किचन भी चालू कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने, जैसे कि मैंने बोला, इस डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी अपनी जो सेवाएँ दे सकते हैं, जैसे कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, आप चाहें तो सेम सोशल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप वीडियो कंटेंट मार्केटिंग में जा सकते हैं, आप चाहें तो अपने ब्लॉग्स लिख सकते हैं, रेसिपीज़ लिख सकते हैं, अपने कोर्सेज सेल कर सकते हैं, सारी की सारी चीजें आप डिजिटली कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो किसी फॉरेन कंट्री में भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे जापान हो गया, आपके US हो गया, ठीक है, या फिर जर्मनी हो गया, वहीं कहीं पे भी आप लोग अपनी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप गल्फ के जो कंट्रीज होते हैं वहां पे भी अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जिनको कि आप लोग यूज कर सकते हैं, या ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे 2022 में या 22 के बाद, जो कि करंटली आप बोल सकते हैं कुछ इसमें से नहीं भी बोल सकते, जैसे कि मैंने आपको कंटेंट मार्केटिंग का बोला, कंटेंट मार्केटिंग है, पर अभी ये हमको रिस्की लगता है कि भाई ये करना सही है नहीं है। पर वहीं अगर आप 2023 या 24 की बात करेंगे, जबकि आप लोग कंप्लीटली रेडी हो जाएंगे, तो ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से हो रही होंगी। इसके अलावा भी अगर बोला जाए तो और भी कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, जो कि समय समय पे हम लोग आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। फिर भी कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप मुझे जरूर नीचे लिखना। बाकी जॉब्स तो चलती रहेंगी, आप लोगों को आपकी जो तैयारियाँ हैं वो भी अच्छे से करनी है। अगर आप लोग अपनी तैयारियाँ सही से नहीं करेंगे, चाहे आप फिर डिग्री कर लीजिए, डिप्लोमा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप लोगों को जॉब्स वहां पे नहीं मिलेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जो भी आपके पास कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते थे उनके बारे में पता चला होगा, और आप अपने अपने जो भी सोच रहे थे मन में, उसके हिसाब से उसके लिए प्रिपेयर कर पाओगे, तैयारी कर पाओगे, ताकि जब भी आप फ्यूचर में जॉब्स के लिए जाओ या कहीं भी आप जाओ, तो आपको हेल्पफुल रहेंगी वो इन्फॉर्मेशन एडवांस में ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।